उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से एक बेहद ही शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक मूकबधिर महिला के साथ एक परिचित ने ही घिनौना काम किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने महिला की 6 माह की बच्ची को भी अपने हवस का शिकार बनाया है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है और लोग स्तब्ध हैं। मामला भरतकूप थाना इलाके के एक गांव का है, जहां बोल पाने व सुन पाने में असमर्थ एक महिला अपनी बच्ची के साथ घर में अकेली थी। महिला का पति किसी काम को लेकर बाहर गया हुआ था। इसी बात का मौका पाकर गांव का ही व्यक्ति, जो महिला के ही परिवार से संबंध रखता है, घर में घुस गया। जब आरोपी घर में घुसा तो महिला खाना बना रही थी और उसकी बच्ची सोई हुई थी। इसी बीच आरोपी ने महिला से छेड़खानी शुरू कर दी। महिला ने जब छेड़खानी का विरोध किया तो आरोपी ने महिला से मारपीट शुरू कर दी और बाद में उसके साथ दरिंदगी कर डाली। साथ ही आरोपी ने महिला की 6 माह की दूध मुही बच्ची को भी नहीं छोड़ा और उसके साथ भी दुष्कर्म किया। काफी देर बाद जब बच्ची की रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो बच्ची खून से लथपथ मिली और महिला बदहवास अवस्था में पड़ी मिली। वहीं घटना को अंजाम देने वाला शख्स लोगों के पहुंचने से पहले ही मौके से फरार हो गया। घटना ये हुई कि रेप किया उसने, जो है घर में अकेली थी, वो घुसकर जो है बच्ची पड़ी थी उसके साथ रेप किया। बच्ची 6 महीने की है सर, वो हमारी भतीजी है सर, वो राज नारायण ठाकुर है सर। जानकारी ये हुई कि चिल्लाई जो है हमारी भाभी ने, तब दौड़ के गए, तब तक वो भाग गया। अभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं है सर। परिजनों की सूचना पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और उसने माँ और बेटी को मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया है। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। हमारे पास दो कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल लेके आई हैं। एक महिला आई थी, उसके साथ बच्ची थी। तो महिला की हालत हमारे पास परीक्षण करने के लिए आए थे, तो हम लोगों ने बाहर ही परीक्षण कर दिया है दोनों को। और बच्ची के थोड़ा ब्लीडिंग हो रही थी, बाकी जो थी वो इंटरनल इंजरी हो, मतलब जो होगी, तो उसको महिला डॉक्टर के लिए जिला अस्पताल हमने भेजा है। बाहरी परीक्षण कर दिया है, इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए हम लोग जिला अस्पताल भेज दिए हैं। डॉक्टर उमेश। मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया जाएगा। थाना क्षेत्र भरतकूप के एक गांव में एक मूकबधिर महिला के साथ उसके परिवार खानदान का ही एक नवयुवक उसके घर में अकेला पाके घुस गया, उसके साथ उसने दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी दुधमुही बच्ची के साथ भी उसने छेड़छाड़ की है। उनकी तहरीर पे तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िताओं का चिकित्सीय परीक्षण भी कराया जाएगा। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें उसी क्षेत्र में प्रयासरत हैं और हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र इसी को उसकी गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और शेष विधिक कार्यवाही पूरा करेंगे। भले ही हमारा देश पिछले सदी के मुकाबले इस सदी में कई मुकाम हासिल कर चुका है, लेकिन आए दिन आने वाली दरिंदगी की खबरों से देश को शर्मसार होना पड़ रहा है। इसलिए देश भर में विकृत मानसिकता का समूल नाश होना जरूरी है। जिस दिन हमारे देश में महिला और बच्चियां सुरक्षित रह पाएंगी, तब जाकर ही देश असल मायनों में विकास कर पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चित्रकूट से वीरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।